हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका फूडी। तो आज हम बटर पनीर बनाने जा रहे हैं जो घर में बहुत आसानी से बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, उसमें मैं 2 चम्मच घी डालूंगी, साथ में ही बटर भी। बटर पनीर है तो बटर तो चाहिए। बटर हमारा जब गर्म हो जाए तो उसमें 1 तेज़पत्ता, 3 से 4 लौंग, 2 हरी इलायची, कुछ कलियां लहसुन के, 1 हरी मिर्च जिसको मैंने तोड़ लिया है, 2 मीडियम साइज का प्याज स्लाइस किया हुआ डाल देंगे और प्याज को अच्छे से भूनेंगे। फिर इसमें अदरक 1 इंच का जो टुकड़े में काट लिया है मैंने, 2 कश्मीरी लाल मिर्च जिसका बीज मैंने निकाल लिया है उसे भी डाल देंगे, और साथ में काजू, और इन सबको अच्छे से भूनेंगे। अब जाएगा टमाटर जो 4 मीडियम साइज के हैं, उसको मैंने रफली कट कर लिया है क्योंकि इन सबको भूनना है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में नमक भी, ताकि जल्दी हमारा प्याज और टमाटर गल जाए। थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है कि टमाटर और प्याज अच्छे से ढक जाए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा बटर और डालेंगे और ढक कर पकाएंगे जब तक टमाटर प्याज गल ना जाए। अब चलते हैं दूसरी तरफ, जहाँ मैंने गर्म पानी ले लिया है, उसमें 1/2 चम्मच नमक डालकर पनीर डाल दूंगी, जिसे ये सॉफ्ट हो जाएगा। साइड में रख देंगे और मसाले की तैयारी करते हैं, जहाँ मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच दही लेकर अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मसाले हमारे रेडी हो चुके हैं। अब गैस की तरफ चलते हैं। तो देखिए टमाटर पक चुका है, अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मसाला अब ठंडा हो चुका है, अब इसको पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है, देखिए इस तरह से। अब इसको छान लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा हो वो बाहर रह जाए। हमें बिल्कुल लिक्विड और फाइन पेस्ट चाहिए। अब चलेंगे गैस की तरफ। तो कढ़ाई गर्म हो चुका है, उसमें मैं थोड़ा सा बटर और डालूंगी और जो मसाले का पेस्ट तैयार किया था उसको भी डाल दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मसाले में थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और उसको अच्छे से मिक्स करके भून लूंगी। जब बटर सरफेस पे आ जाए तो उसमें अपना ग्रेवी ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना आसान है बनाना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आप घर पे बना सकते हो। जब ग्रेवी में बॉयल्ड आने लगे तो उसमें स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच चीनी डाल देंगे, जिससे टमाटर की खटापन कम हो जाएगी और ग्रेवी में हमारे रिचनेस आ जाएगा। अब ऐड करेंगे पनीर। पनीर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है क्योंकि गर्म पानी में नमक के साथ रख दिया था। इसको 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे और अब हमारा पनीर बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए।